इस बार बरसात में जो नुकसान हुआ, लोगों के घर चले गए, लोगों के पशुधन चला गया, गौशाला चली गई, 500 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, क्या इस बात का आप जश्न मना रहे हैं? हिमाचल की सरकार का आज 11 तारीख को एक साल का कार्यकाल पूरा हुआ। आज एक साल के जश्न को वर्तमान की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार धर्मशाला में मना रही है। हम पूछना चाहते हैं प्रदेश के मुखिया से, प्रदेश सरकार के मुखिया, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं कि एक वर्ष का यह जश्न आज जो धर्मशाला में मनाया जा रहा है, किस कारण से मनाया जा रहा है? एक साल के कार्यकाल में आपने ऐसा कौन सा काम किया? 10 गारंटियां, झूठी गारंटियां देकर आप सत्ता में आए, आपने एक भी गारंटी पूरी नहीं की। महिलाओं को कहा 1500 रुपया, युवाओं को कहा 1,00,000 युवाओं को नौकरी, किसानों को कहा 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध, और कहा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कौन सा वायदा आपने पूरा किया? एक वायदा पूरा नहीं किया। क्या उस बात का जश्न मना रहे हैं? 11 दिसंबर 2022 को सरकार बनी, अगले दिन तुगलकी फरमान के साथ इस प्रदेश के 1000 से ज्यादा ऐसे संस्थान, ऐसे कार्यालय जो भाजपा की जयराम जी की सरकार ने खोले थे, उन सबको बंद कर दिया, डी नोटिफाई कर दिया। हमारा बटवाड़ा का भी पटवार सर्कल बंद कर दिया, क्या उसका जश्न मनाया जा रहा है? बरसात आई, आपदा आई। इस बार बरसात में जो नुकसान हुआ, लोगों के घर चले गए, लोगों के पशुधन चला गया, गौशाला चली गई, 500 से ज्यादा लोगों की जाने चली गई, क्या इस बात का आप जश्न मना रहे हैं? एक भी विकास का नया काम शुरू नहीं हुआ, क्या इस बात का जश्न मना रहे हैं? आपने कहा था युवाओं को नौकरियां देंगे, लेकिन आपने प्रदेश के हजारों युवाओं को, जिनको आउटसोर्स पर भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने नौकरियां दी थी, आज उनको नौकरियों से निकाल दिया, क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है? हम प्रदेश की सरकार से पूछना चाहते हैं, जब भी विकास को लेकर हम बात करते हैं, आप पैसे का रोना रोते हैं। एक साल के कार्यकाल में वर्तमान की कांग्रेस की सरकार ने 12,000 करोड़ लोन लेकर ऐशपरस्ती की जा रही है, सत्ता सुख भोगा जा रहा है, क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है? आज हमारे यहां से भी कांग्रेस के मित्र बस में, उस रैली में गए हैं, उनसे भी पूछना पड़ेगा कि आप किस बात को लेकर सुंदरनगर से जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं? बटवाड़ा का पटवारा सर्कल बंद कर दिया, कांगू का आईपीएच का सब डिविजन बंद कर दिया, तलेली का वेटनरी हॉस्पिटल बंद कर दिया, सुंदरनगर में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जो अपग्रेड किया गया था उसको डी नोटिफाई कर दिया, चोरड़ में आईपीएच का जेई का सेक्शन दिया गया था वो बंद कर दिया, बंदली पौड़ा कोठी में पीएससी दी थी उसको बंद कर दिया, क्या इन बातों का जश्न मनाया जा रहा है?